पैसा देना ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम खिलाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आज हमको खिलाऊंगा चिकन टील वाला, खाके बन जाएगा डील वाला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। तो भाई इधर कुछ दिनों में जो है हमने आसाम के ऑलमोस्ट टॉप पॉपुलर डिशेस को ट्राई कर लिया है, लेकिन एक चीज़ जो अभी भी हमारे नज़र से बचा हुआ था तो उस चीज़ को आज हम ट्राई करने के लिए आ चुके हैं पल्टन बाजार में। इस साइड पर कैमरा टर्न करते हैं तो यहाँ से मात्र 150 मीटर की दूरी पर पल्टन बाजार है और मेरे ठीक पीछे एक लैंडमार्क है जो कि सृष्टि हॉस्पिटल है। पहुँचना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है क्योंकि हम आपको हमेशा की तरह गूगल मैप का लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे पहुँचना कैसे है वो हमने बता दिया आपको, अब हम आपको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर चलते हैं। तो ये गली के अंदर भाई साहब यहाँ पे सीढ़ी है और इस सीढ़ी से जो है ना आपको ऊपर चढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, उसके से 15 से 20 सीढ़ी है। इसको चढ़ने के बाद जो है आपके इस साइड पे गेट है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तो जैसे ही आप अंदर आओगे तो कुछ इस तरह का जो है यहाँ पे सारा सीटिंग अरेंजमेंट हो रखा है, काफ़ी बढ़िया सा बैठने का बनाया हुआ है और बहुत बढ़िया तरीके से इसको सजाया हुआ है। तो गाइस हमने जो है आपको ये जगह दिखाया और अब किचन में जाने से पहले आपको मिलवाते हैं हमारे सर जो कि इस जगह के ओनर है। तो सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका शुभ नाम बता दीजिए, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम डॉक्टर रिक्तम बोरगोहाई है। ओके, और इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, कब आपने ओपन किया है इसको? अभी सिर्फ 2 महीना ही हुआ है। ओके, न्यूली ओपन है। हाँ, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, यही सोचे कि जो भी आए थोड़ा एथनिक खाना भी मिले। और इधर बेसिकली पेशेंट लोग बहुत ज़्यादा रहता है, हॉस्पिटल एरिया है, वो भी पेशेंट जो लोग आता है उसका भी खाना अलग होता है ना पेशेंट के लिए, वो भी खाना हम लोग प्रोवाइड करते हैं रूम में। एक बार इसका टाइमिंग बता दीजिए, कितने बजे ओपन हो जाता है ये? सुबह 8 बजे ओपन हो जाता है, रात 10 बजे तक रहता है। रात 10 बजे तक? कोई वीकली ऑफ है? अब नहीं है, 7 दिन सप्ताह में खुलता है, 7 दिन चलता है, क्योंकि मैं नीचे ही एज ए डॉक्टर बैठता हूँ। ओके, तो क्योंकि वी आर 40 सर्विस, हम लोग सर्विस देने के लिए है। बंद रहेगा तो कैसे होगा? खाना तो हर दिन आदमी को चाहिए। जरूर जरूर जरूर, सेवा के लिए खुला है एक्चुअली। खुला है, और बेसिकली कोई पोर पेशेंट कोई बीपीएल कार्ड होल्डर ऐसा आता है ना, हम लोग फ्री खिलाते हैं उससे। हाँ, कोई ऐसा कोई पेशेंट होता है कि कुछ रुपया ही नहीं हाथ में। अच्छा। हाँ, तो फ्री खा के जाता है, मतलब नीडी पीपल का यहाँ पे हेल्प भी हो जाता है। पैसा देना ही नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम खिलाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर उसका उस हालात उस तरह का हालात है तो। हाँ, वो हम देख के समझते हैं ना, देख के समझ। आपका जेब में पैसा है तो आपको मालूम ही होगा ना। ओके, थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो गाइस अभी हम किचन के अंदर एंटर कर चुके हैं, किचन का सारा सेटअप वगैरह देख के तो आपको मॉडर्न लगने वाला है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे आज हम जो बनवा कर खाने वाले हैं, जिस चीज़ की आपको रेसिपी दिखाने वाला है, वो प्योर देसी आसामीज खाना है ना? आसामीज खाना। ओके, तो भाई साहब यहाँ पे जो है गैस चालू हो चुका है, उसके ऊपर रख दिया गया है पैन। पैन। तो गाइस जैसा कि भैया ने कहा कि आज खिलाने वाले हैं चिकन तिल वाला, खाकर हो जाएंगे तिल वाला। तो भाई सबसे पहले क्या, सरसों तेल? सरसों तेल डाला है। हाँ, रिफाइंड नहीं, सरसों तेल, सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल। ये हो गया ओनियन, ओनियन थोड़ा सा फ्राई करूंगा। अच्छा, इसमें सिर्फ ओनियन था कि कुछ और भी था? नहीं, यहाँ पे और टमाटर डालूंगा। अच्छा, टमाटर? हाँ, टमाटर। उसके बाद मिर्ची डाल दूंगा थोड़ा सा। अच्छा, तो ये कौन सा मिर्ची है, भुज जलकिया की नॉर्मल मिर्ची? नॉर्मल, नॉर्मल मिर्ची, नॉर्मल। हाँ, कितना टाइम लगता है इसको बन जाने में? वैसे ये 10 मिनट 10 मिनट में बन जाता है। 10 मिनट में बन जाता है। ये थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगा, उसका फिर डालूंगा। मतलब तरीका आपका देख के बनाने का लग रहा है जैसे कि मॉडर्न चाइनीज टाइप का, लेकिन हाँ, बना रहे आप इंडियन खाना, आसामीज खाना। ये क्या डाल दिया है? ये थोड़ा सा स्टॉक डाला। स्टॉक? हाँ, स्टॉक मतलब स्टॉक का, लोकल चिकन का जो स्टॉक होता है ना। अच्छा, मतलब जो लोकल चिकन का उबला हुआ पानी, उबला हुआ पानी, सारा मजा और टेस्ट आता है भाई साहब। वो डालने के बाद यहाँ पे फ्लेम देख लो कितना तेज कर दिया गया है, तेज फ्लेम पे भाई इसको रगड़ कर भुजा जा रहा है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाला हुआ है। किचन किंग मसाला? हाँ, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, ठीक है, ये जीरा पाउडर। ओके, ये कश्मीरी चिली, थोड़ा सा ये कश्मीरी चिली। हाँ, और अब ये तिल। अच्छा, तो यही है मेन आइटम? मेन आइटम। हाँ, ये तो ये ब्लैक तिल है? ब्लैक तिल।
तो भाई साहब यही एक चीज जो है अपने मिस कर रहे अभी तक, क्योंकि आसाम में ये चीज भी बहुत ज्यादा खाते लोग है ना। हाँ, बहुत ज्यादा खाता है दिल वाला चिकन। हाँ, ये खाएगा आसाम का लोग दिल वाला है। हाँ, दिल वाला जो खाएगा वो दिल भर जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब यहाँ पे तिल डालने के बाद रंगत ही चेंज हो गया, सब कुछ लाल पीला दिख रहा था, अभी सब काला काला सा हो गया। और फिर से एक बार सब डाल दिया थोड़ा सा उबलने के लिए। ये हो गया, उसके बाद चिकन डाल दूंगा। तो अभी चिकन तो उस मसाला। ओके, तो ये चिकन लगता है बॉईल किया हुआ है ना ये? हाँ, तो पहले से बॉईल करके रखते हैं। हाँ, बॉईल करके रखा हुआ है। ओके, तो भाई साहब कारण ये है कि ये रेस्टोरेंट है। हाँ, लोग यहाँ आते हैं कम टाइम लेके, फटाफट खाना बराबर कर रहा है, इसलिए बॉईल करके रखा हुआ है। बॉईल करके रखते हैं। ऑर्डर दिया, 10 मिनट में बना के दे दिया। टेस्ट में तो कोई अंतर नहीं आएगा? नहीं नहीं, थोड़ा टेस्ट ज्यादा है, वही मिलेगा ना? वही मिलेगा। ओरिजिनल वाला? लोकल वाला। लोकल वाला। हाँ, और चिकन भी लोकल ही है? चिकन भी लोकल है। बहुत बढ़िया। तो भाई साहब ये देख लो, अब जो है ना इसको इसमें डाला गया है, डालने के बाद बढ़िया तरीके से जो है इसको एकदम तेज आंच पे भूना जा रहा है बढ़िया से। और अब जो है ना इसमें से जो तिल का खुशबू होता है ना, जो तिल का सुगंध वो अच्छा सा निकल कर आ रहा है। अभी उबलने के लिए लग गया। ओके, मसाला वगैरह उतना नहीं डालते? नहीं, उतना नहीं डालते, बहुत कम मसाला। घर में जिनता है मसाला नहीं। अच्छा, मतलब ये जो बना रहे हैं आपको घर वाला स्टाइल? हां, घर वाला स्टाइल है। मतलब घर में ऐसे ही बना के खाते हैं? ऐसे बना रहे, बना के घर में सबको ऐसे ही खिलाते हैं? ऐसे। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो चिकन तिल वाला खा के हो जाएगा दिल वाला? दिल वाला। किसी का गर्लफ्रेंड या बीवी नाराज रहे उसको जो गर्लफ्रेंड लेके आएगा ना उसको खाएगा, गर्लफ्रेंड बहुत खुश हो जाएगा। ऐसा बात है? बहुत बढ़िया। थोड़ा सा स्टॉक डाल दूंगा उबलने के लिए। तो मतलब कि बीच बीच में थोड़ा सा स्टॉक डालते हैं, सूखता है कोई डाल? सूखता है। ओके, तो भाई यहाँ पे नॉर्मल पानी का यूज नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे जो है चिकन का स्टॉक यूज किया जा रहा है। ये हो गया। और अब कोरिएंडर, थोड़ा सा धनिया पत्ता। ये क्या है, नागा धनिया पत्ता की लोकल? लोकल, नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल धनिया पत्ता डाल दिया। अब और कुछ डालेगा? नहीं, वो कुछ नहीं डालूंगा। कुछ नहीं? हाँ, थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा, नमक थोड़ा सा और? हाँ, थोड़ा सा और। फिर नमक डाल रही, कोई टोटका है कि? नहीं नहीं। अच्छा, ऐसे ही जो है, लगा आपको नमक कम है? नमक कम है थोड़ा सा, ऐसे नमक हो इसलिए डाल दिया। हाँ, अभी ठीक हो गया। एक्सपीरियंस इनका देखो, बिना खाए जो है टेस्ट किए बता दिए कि नमक कम लग रहा था, नमक और डाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम खाने बैठे तो नमक तेज हो जाए। तो भाई साहब यहाँ पे जो है चंद मिनटों में देखते ही देखते यहाँ पर जो है चिकन तिल वाला बनकर हो चुका है रेडी। ग्रेवी इतना ही रहता है? हाँ, इतना रहता है। और नहीं सुखाते हैं? नहीं सुखाता है। और सुखाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। ओके, तो इसमें जो है आपका आधा लहसुन वगैरह सब नहीं डालते? आधा लहसुन पहले डाल दिया। अच्छा, पहले डाल दिया। उसका जो ग्रेवी बनाता है ना उसमें डाल दिया। और अच्छा अच्छा, तिल पिसा हुआ है ना इसमें डाल दिया। ओके, तो ये जो तिल पिसा हुआ इसमें सिर्फ तिल नहीं, बाकी चीज भी था? और क्या था उसमें? जिंजर और गार्लिक था। अच्छा, जिंजर गार्लिक था। ये बोले कि नॉन वेज बन रहा है, जिंजर गार्लिक नहीं है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है चिकन तिल वाला बनकर हो चुका है रेडी। लगवाते हैं प्लेट पे, करते हैं टेस्ट और आपको बताते हैं इसका स्वाद कैसा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे खाना हमारा आ चुका है और देख सकते हो ये है सिंपल सा राइस और ये है अपना मेन आइटम और यहाँ पे सैलेड, उसके साथ एक ड्रिंक। तो सबसे पहले जो है ना सैलेड को करते हैं साइड, चिकन को बुलाते हैं पास। और भाई साहब पहले तो आप रंगत देख लो, मतलब देखने से तो ये कहीं से भी जो है आपको स्वादिष्ट नहीं दिखने वाला, क्योंकि इसका कलर पूरा ब्लैकिश ब्लैकिश टाइप का है। लेकिन अब जो है ना इसका ग्रेवी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ये चेक कर लो, बिल्कुल थिक थिक सा ग्रेवी है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इसमें तिल का, तो भाई वही ज़्यादा दिख रहा है। बाकी प्याज वगैरह जो पड़ा था तो वो आपको ऐसे टच करने पे समझ में आएगा। अब जो है ना चिकन का एक पीस चेक करते हैं। और ये जो चिकन है देसी चिकन है, यहाँ का पका किस हिसाब से, एक्चुअल में ये तो पहले से ही बॉयल किया हुआ है तो पकने में कोई शिकायत नहीं होने वाला। ये देख लो, तोड़ने पर ऐसे जो है फटाफट टूट जा रहा है और काफ़ी बढ़िया सा जो है ना अरोमा निकल के आ रहा है इसमें से, जो वाटर स्टॉक डाला गया था, सॉरी चिकन स्टॉक, उसका बहुत बढ़िया सा। तो लेते हैं टेस्ट और आप बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। तो गाइस सबसे पहले ना स्टार्ट करते हैं अपने चिकन के साथ, ठीक है? तो ये रहा नज़ारा वगैरह हमने दे दिया आपको। अब सबसे पहले ग्रेवी को टेस्ट करेंगे। फ्लेवर चटपटा सा है, तिल इतना ज़्यादा क्वांटिटी में होने के बाद भी उसका फ्लेवर जो है ना एक होता है ना कि लिमिट से ऊपर जाए, वैसा नहीं है। इसमें जो है अदरक लहसुन अच्छा से डाला हुआ है जिसके कारण उसका फ्लेवर बैलेंस है। तीखा वगैरह का बात करेंगे एकदम प्रॉपर सा है, नमक कैनॉल साला मसाला बहुत अच्छे तरीके से डाला हुआ है, टेस्ट बढ़िया सा है। अब इसको चावल के साथ एक बार मिक्स करते हैं।
बाकी जैसे हम लोग चिकन वगैरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप का खाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कलर होता है, मतलब कि रंगीन सा दिखता है, लाल पीला थोड़ा बहुत रोगन वगैरह हो गया, लेकिन ये देख के तो मतलब आपको मुँह में पानी नहीं आएगा, बट हाँ खाने में जो है ना टेस्टी है, मतलब फ्लेवर एकदम अलग सा है जितना तरह का भी हमने आज तक चिकन ट्राई किया उससे हटके। चावल के साथ बड़ा ही सही सा लग रहा है, देसी चिकन में बना है, मतलब यहाँ पे तो लोकल चिकन बोलते हैं, वही चिकन का अपना बढ़िया सा फ्लेवर इसमें से रिलीज हुआ है। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि तिल का क्वांटिटी ओवर होने के कारण बाकी सब का फ्लेवर दब नहीं जाए, लाइक जैसे चिकन का, मसालों का। इसमें एक चीज़ और क्या हुआ है ना कि जो चिकन स्टॉक डाला गया ना उससे भी जो है फ्लेवर कहीं ना कहीं इन्हांस हुआ है, और उसी के कारण जो है ना चिकन का भी बढ़िया सा स्वाद इसमें समझ में आ रहा है आपको। इसके जगह अगर नॉर्मल पानी यूज हुआ होता स्टॉक ना डाल के तो आपको इसमें से फ्लेवर तेल का ही दिखता। हल्का हल्का टमाटर का फ्लेवर, थोड़ा सा एकदम हल्का हल्का सा खट्टापन, मतलब ये इस हिसाब से बनाया हुआ है ना, इस सारे ने सारे मसालों ने जो है ना एक दूसरे को बैलेंस करा, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर सभी का समझ में आएगा अगर आप आराम से इत्मीनान से मज़े ले लेकर खाओगे। चिकन का ये जो डिश है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है, ठीक है। तेल वगैरह आप लोगों ने देखा किस हिसाब से एकदम हल्के से मात्रा में तेल डाला गया, मसाले के नाम पे भी हल्का हल्का सा पाउडर वगैरह डाला है, बहुत ज़्यादा कोई मसाला नहीं है इसमें। जो लाल मिर्चा पड़ा है ना वो कहीं कहीं आपके मुंह में आएगा तो थोड़ा सा जो है तीखापन ज़्यादा पैदा कर देगा, अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो मे भी वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करे, मैं जैसे तीखा तो भाई हमारे को अच्छा लगता है तो मेरे लिए तो फ्लेवर बढ़ जा रहा है। यहाँ पे जो तेल डाला है तेल को मेरे ख्याल से रोस्ट नहीं करा हुआ, डायरेक्ट जो है मिक्सर ग्राइंडर में डाला गया और पीसा गया। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर इसको थोड़ा सा एकदम धीमे आंच पे हल्का सा रोस्ट किया जाए तो उससे क्या होगा ना फ्लेवर और इन्हांस हो सकता है, मतलब जो तिल का टेस्ट है वो बढ़िया सा निखर कर आएगा, थोड़ा सा सोंधा सोंधा सा लगेगा। इसमें क्या है ना तिल का थोड़ा थोड़ा सा कच्चापन समझ में आ रहा है क्योंकि एक तो पहले रोस्ट नहीं किया हुआ प्लस बहुत ही हाई फ्लेम पे फटाफट एकदम जो है इसको बनाया गया। बड़ा सही सा एक्सपीरियंस है अपना इस स्पेशल चिकन को लेके, मतलब इधर पे आए तो जो भी यहाँ का लोकल फूड होता है वो सब हमने ट्राई करा था, नॉन वेज में यही एक छूट रहा था, आज जो है ये भी हमारा ट्राई हो गया, मज़ा आया खाकर, लगा कि हाँ कुछ नया सा चिकन का जो है डिश हमने ट्राई करा, मतलब सिर्फ टेस्टी नहीं लुक वाइज भी एकदम डिफरेंट, मतलब इस तरह का चिकन का कलर कड़कनाथ का भी इतना काला नहीं होगा। तो गाइस अपना जो है ओवरऑल फीडबैक यहाँ पे बने सेस में चिकन को लेके यही है कि चिकन का टेस्ट बड़ा बढ़िया सा लगा, जगह आप लोगों ने देखा किस तरह से जो है मतलब साफ सुथरा सा जगह है जहाँ पे आप बैठ के फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ के फूड को एंजॉय कर सकते हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार इसको भी ट्राई करते हैं, टेस्ट बढ़िया सा है, थोड़ा सा लाइम का खट्टा, थोड़ा सा सोडा और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर,
इसका नाम है स्ट्रॉबेरी बंज। टेस्ट इसका बहुत बढ़िया था, मतलब खाने के बाद इसको पियोगे तो भाई खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं कंप्लीट, मिलते हैं कल कुछ कहीं और कुछ नया सा कुछ इसी तरह का लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।